रोजाना की तरह फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों पुष्पा 2 के विलन के बारे में, जो कि एक क्रिकेटर हैं। अगली खबर है शाहरुख खान की पठान मूवी से जुड़ी हुई, और उससे अगली खबर है कंगना रनौत की एक मूवी इमरजेंसी रिलीज होने वाली थी, उसको लेकर कोर्ट में एक विवाद हो गया। उस पर डिस्कस करेंगे कि वो विवाद क्या हुआ और कब तक आपको ये मूवी देखने को मिल सकती है। तो पहले शुरुआत करते हैं कंगना रनौत की मूवी से ही। दोस्तों ये मूवी रिलीज होने वाली थी 6 सितंबर को, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को अटका दिया। कंगना रनौत का कहना है कि पहले तो सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास कर दिया था, लेकिन जब रिलीज को आई ये मूवी, मतलब 6 सितंबर से एक दो दिन पहले, तब इस मूवी को बेफालतू में बिना किसी रीजन के सेंसर बोर्ड ने अटका दिया। सेंसर बोर्ड का कहना है इस बात पे कि हमने इस मूवी को इसलिए अटकाया क्योंकि ये मूवी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकती है, विवाद पैदा कर सकती है, दोस्तों दंगे फसाद करवा सकती है, ऐसा कहना है सेंसर बोर्ड का। कंगना रनौत ने कहा कि ये मूवी रिलीज से कुछ दिन पहले सेंसर बोर्ड ने अटका दी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मूवी पर पैसा लगाने के लिए अपना बंगलो तक बेच दिया था। जब ये मुद्दा कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई कि ऐसे किसी डर की वजह से या फिर वहम की वजह से हम किसी मूवी को रोक नहीं सकते कि इस मूवी से कहीं दंगे हो जाएंगे या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आप जल्दी से जल्दी इस मूवी पे फैसला लो कि क्या करना है। कोर्ट ने तारीख दिया सेंसर बोर्ड को 25 सितंबर की, इससे पहले पहले आप फैसला लो कि क्या करना है। तो दोस्तों 25 सितंबर तक सेंसर बोर्ड फैसला लेगा कि इस मूवी का क्या करना है, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, उसके बाद में मूवी रिलीज होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंटेंट चैनल पर आता रहता है रोजाना, और मैं सिर्फ काम की खबरें बताता हूं, बेफालतू खबरें नहीं बताता। भले ही वीडियो में दो ही खबरें बताऊं लेकिन काम की बताऊंगा, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोलने जा रहा हूं। तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, भले आपको एडिटिंग में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, कुछ भी अजीब लग रहा हो, लेकिन काम की खबर बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी खबर है दोस्तों पठान 2 को लेकर। शाहरुख खान की एक मूवी थी पठान, जो कि पिछले साल आई थी। ये शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी थी, पहली जवान थी। अब दोस्तों इस मूवी का, पठान मूवी का दूसरा पार्ट आ रहा है, और ये पार्ट दोस्तों शेड्यूल्ड है। ये बात कही अब्बास टायर वाला ने, जो कि इस मूवी के राइटर है। किसी ऑफिशियल बंदे ने पहली बार अपडेट दी इस मूवी को लेकर कि इस मूवी का राइटिंग का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ डायलॉग्स लिखने हैं, और यशराज फिल्म्स वाले डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं कि इस मूवी के लिए किसको डायरेक्टर बनाया जाए। तो बहुत जल्द पठान 2 के बारे में आपको अपडेट मिल सकती है यशराज फिल्म्स की तरफ से। आखिरी खबर दोस्तों पुष्पा 2 को लेकर। पुष्पा 2 का जो दोस्तों विलेन है ना, वो एक क्रिकेटर है, और ये क्रिकेटर एक समय आईपीएल का सबसे महंगा क्रिकेटर था। क्रिकेटर का नाम है दोस्तों डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर है, आप सब जानते होंगे, खैर बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन खबरों में ये है कि दोस्तों ये इस मूवी के विलेन है, और ये फालतू में खबरों में नहीं है, बहुत सारे हिंट दिए हैं खुद डेविड वार्नर ने, जिसकी वजह से ये खबरों में है कि हाँ यही विलेन है। एक एक करके कुछ आपको हिंट बताता हूं मैं। पहली हिंट तो ये दोस्तों कि ये मूवी पहले रिलीज होनी थी 15 अगस्त को, अब ये 6 दिसंबर को होगी, लेकिन पहले ये 15 अगस्त को रिलीज होनी थी। तो 15 अगस्त से कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम पे इस मूवी का एक पोस्टर डाला। इस मूवी के पोस्टर की पोस्ट पे डेविड वार्नर ने दोस्तों कमेंट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मूवी में वो एक गेस्ट रोल में है, मतलब कोई कैमियो हो सकता है या फिर पता नहीं क्या क्या नहीं, लेकिन उन्होंने गेस्ट रोल कहा। दूसरी हिंट उन्होंने ये दी दोस्तों, पुष्पा के गाने श्रीवल्ली पे डांस भी करते नजर आए, उन्होंने एक रील शेयर करी जिसमें वो श्रीवल्ली गाने पे डांस कर रहे थे। तीसरी हिंट ये दी दोस्तों कि उन्होंने पुष्पा के डायलॉग पे रील भी बनाई थी। और आखिरी और सबसे बड़ी हिंट ये मिली दोस्तों इंटरनेट पे कि उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई जिनमें उन्होंने गोल्डन गन और एक लॉलीपॉप हाथ में पकड़ी हुई है, और सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहन रखा है, और ये फोटोज इंटरनेट पे खूब वायरल हुई, और इन्हीं से खबर फैली कि वो पुष्पा 2 में मेन विलन का रोल निभा सकते हैं। कई बार ऑस्ट्रेलियन न्यूज में ये भी छपा है कि डेविड वार्नर एक इंडियन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन उन्होंने भी नहीं करी कौन सी फिल्म की कर रहे हैं। लेकिन जब इन हिंटों पे ध्यान दे तो फिर पता चल जाता है कि वो पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे हैं। अभी तक यही अपडेट्स थी, आगे और अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ ये काम की खबरें बताता है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।